हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को कल मालूम ही है कि टेस्ट हुआ था CET इंटीग्रेटेड BEd 2019, यानी कि BA प्लस BEd का जो है 4 साल का जो कोर्स है उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट कल हुआ था। तो उसके क्वेश्चन का, जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था 120 क्वेश्चन, सभी का जो है 100% करेक्ट आंसर की लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को मिल पाएगा। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी खुशखबरी होगी, तो वो लोग जल्द से जल्द जो है आंसर मिला लें। और फ्रेंड्स, जो लोग नहीं दिए हैं फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंच पाए जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि बिहार DLED BEd से संबंधित अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेट है, सेट डी है फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों को दिखाया गया था। और इसमें देखिए, यहाँ पर कुछ जो है पैसेज दिया हुआ, पैसेज को मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेस्ट द टोन ऑफ इन योर विजडम लॉर्ड यू टुक हिम एज यू टुक सो मैनी ब्राइट फ्लोरिंग यंग मैन एट सी सैन एट लैंगडॉक एट हिल 364 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बीवेलेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द स्पीकर्स टोन इन द लास्ट टू सेंटेंस इन द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलेमन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद इन डैश एज यू टुक सो मैनी ब्राइट फॉलोरिंग यंग मैन ब्राइट मोस्ट नियरली मैन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बताया इन दिस पैसेज द स्पीकर्स एटीट्यूड टू बार्स डॉनी इज प्रिलिमिनरी वन ऑफ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेटेड नॉस्टाल्जिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर्स एटीट्यूड टू वर्ड्स वॉलिंग कैन बेस्ट द डिस्क्राइब्ड एज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनडिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है एंटोनिम्स बताना है, जो अंडरलाइन किया गया है उसका एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द ही इज सफरिंग फ्रॉम क्रूबल डिजेज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा। उसके बाद है, ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी एस्पेसियस डे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओमिनस हो जाएगा। उसके बाद एट नंबर क्वेश्चन हो गया, ही हैज डीपर हॉस्टली टू वर्ड्स मोहन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा। हॉनेस्टली मतलब होता है दुश्मनी कह सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा दोस्ती हो जाएगा, फ्रेंडशिप। रमेश इज वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूबियस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, डू नॉट अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ प्लेस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विगिलेंट हो जाएगा। उसके बाद है, आपको यहाँ पर जो है आइडम्स फ्रेज दिया गया है अंडरलाइन करके, उसका जो है सुटेबल जो है एक्सप्रेशन देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर एंड स्क्वायर्स जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन अ ऑनेस्ट वे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है, फाइट टूथ एंड नेल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। उसके बाद जो हो जाएगा, अ डार्क हाउस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु विंस अ रेस और कॉम्पिटिशन ऑल थ्रो नो वन एक्सपेक्टेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टॉपर
स्टॉपर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अ परफॉर्मेंस डेट इज एक्सट्रीमली गुड। तो इस यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश को देखा, इंग्लिश का जो है 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, 15 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं समान हिंदी पर 16 नंबर से। 16 में है निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ के में समास है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर जो है 18 नंबर का ए हो जाएगा, यन। उसके बाद जो है पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव होगा, तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूल हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा, इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेता, जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद जो है भाषा के प्रमुख अवयव है, इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक। लल्लो चप्पो करना जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशामद करना। उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित न्याय। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए हो जाएगा, प्राण। उसके बाद जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशुतोष कह सकते हैं। सदैव रहने वाला जो हो जाता है उसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। अब उसके बाद 31 क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग आ गया है। रीजनिंग में हो सकता है एक दो क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर सारे का आंसर मैं दूंगा। तो यहाँ पर 8/5, यहाँ 64/25, लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स, लॉजिक लगाना है। अब देखिए 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 1609 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नहीं मैं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक नहीं समझ में आया हमें। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद जो दिया हुआ है इसका एकदम इजी है, एच का जो हो वैल्यू होता है 8 और आई का वैल्यू होता है 9, दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो एक एक बढ़ रहा है, तो वाई 25 हुआ, जेड 26 हो गया, ई जो हो गया डी हो गया 4, ई हो गया 5, तो यहाँ पर जो है एक एक बढ़ा देना है, ए का बी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ए का बी इसका जो है लॉजिक एक एक बढ़ रहा है, तो ए का बी, एम का एन, आर का एस, आई का जे, और उसके बाद टी एस टी यू यू हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, और उसके बाद ए का बी हो जाएगा, आर का आर एस एस हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन बी एन एस जे यू टी बी जे, बी एन एस जे यू टी बी जे, देखिए खोज के इसमें जो है आर का आर एस एस हो जाएगा लास्ट में, आर एस, तो इसका जो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया गया है 68 है, 64 है, 32 है, 28 है, 14 है, 10 है, 5 है, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, एक हो जाएगा स्क्वायर, देखिए एक का स्क्वायर एक, यहाँ दो का स्क्वायर जो है 4 और एक बढ़ गया, 3 का क्यूब यहाँ पर लिया गया, फिर उसके बाद 4 का 16 है, 2 घटा दिया गया, 5 का स्क्वायर लिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, 6 का स्क्वायर लिया गया, 4 घटा दिया गया, इसी तरह यहाँ पर एक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 2000 का 60%, तो 2000 का निकालना है 60%, 60% को आप एक शॉर्ट वे में इस तरह सॉल्व कीजिएगा, तो 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 आ गया, तो शॉर्ट में मैं लिखता हूँ सारे का, तो यहाँ पर देखिए 3/5 इसका हो गया, और उसके बाद जो है 40% का हो जाएगा, 0 0 खत्म, 2 2 4 2 5 10, 2/5 हो जाएगा, उसके बाद 25 1/4 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 10 का तो 1/10 हो जाएगा, और उसके बाद 50 का तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 25 25 चौक 100, 100 2 200, नीचे में 200 पूरा और यहाँ 200 पूरा है, ख़त्म, 2 3 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देख लीजिएगा इसको विस्तार में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा
38 का ऑप्शन नंबर जो है आपका 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तापमान के बारे में यहाँ पर बताया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस में 32 होता है। इस फार्मूला पर बैठाओगे और इजी वे में मान निकालोगे। 104 फारेनहाइट है ना, तो 104 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा। 104 में से 32 मतलब इसको बैठा लेना है सबसे पहले, तो आपको लिखना होगा 104 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो ये आएगा तो इधर लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 10 में से 3 गया कितना 6, 10 में से 3 गया 7, तो 9 8 72 हो जाएगा, 8 5 40 डिग्री इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। सेल्सियस में इसका राइट आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है सॉल्व कीजिएगा। मैंने सॉल्व किया है तो काफ़ी टाइम टेकन होगा, बट इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए 15 लीटर। उसके बाद इसका भी राइट आंसर 41 का राइट आंसर जो है हो जाएगा वो सी हो जाएगा 4 मिनट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा 42 का हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 8 आएगा आंसर। देखिएगा सॉल्व करके, इसको मैं नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर देख लिया जाए एस ओ ए पी, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझा जाए। एस टी, एस के बाद टी आता है, ओ के बाद पी आता है, ए के बाद बी आता है, मतलब एक एक बढ़ रहा है। एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी आएगा, और ए के बाद बी, एम के बाद एन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर देखिए जल का संबंध प्यास से, जल प्यास बुझाती है तो भोजन भूख मिटाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कूल को लिखा गया देखिए तो एच सी एच, शुरू वाले को लिख दिया गया लास्ट में और इसको जो है इस तरह लिखा गया, तो टीचर जो है सी तो बीच में रहेगा, एच ई आर इधर चलाएगा और उसके बाद जो है ई ए टी इस तरह हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कहीं पर आर ई सी आर ई आर ई एच सी ए ई टी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको भी मैं नहीं बता सकता हूँ, काफ़ी लॉजिक लगाया पर दिमाग में आया नहीं। उसके बाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताश में 52 पत्ते होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पर कैसे, 2 वर्ष पूर्व मैंने अपने भाई जो है, मान लेता है बड़ा होता है एक छोटा होता है, दोनों भाई का ले लिए एज, 2 वर्ष पूर्व जो है 3 गुने आयु का था, इससे 3 गुना था, और जो है 3 वर्ष बाद जो है यहाँ पर 2 गुने आयु का था, तो 2 1 क्या किया जाता है, इसमें डिफरेंस देखा जाता है दोनों में, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, इसके डिफरेंस से इसको गुना किया जाता है और इसके डिफरेंस से इसको गुना किया जाता है, तो इसको गुना कीजिएगा 2 से 1 से और इस नीचे वाले गुना कीजिएगा 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 3 1 और नीचे हो जाएगा 4 1। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1 1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो है 2 वर्ष पूर्व बोला था और 3 वर्ष बाद, 2 3 5, 1 का मान आ गया 5, तो 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15 हो गया। ये जो है आपका 2 वर्ष पहले का था, 2 जोड़ दीजिएगा तब वर्तमान में चलाइएगा, तो 5 15 2 17 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो 5 1 5 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोला है 29 फरवरी 1944 को जन्म हुआ था किसी व्यक्ति का, 2000 में 56 वर्ष का होगा, तो जन्मदिन कितने होंगे। स्वाभाविक है 2000 भी लीप ईयर वर्ष है, 1944 भी लीप ईयर वर्ष है, तो इसका हो जाएगा 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का जो होगा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तारा हो जाएगा। इसको फिर मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा होगा सॉल्व। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का जो है, बच्चे अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्वास्थ्य की त्रुटि कमज़ोर होते हैं, इसलिए बिट्टू और छोटी ये 2 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे स्वस्थ नहीं हो सकते, यह है निष्कर्ष। तो इसका जो राइट आंसर का पूर्ण रूपेण असत्य है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एकदम आसान बात है, 8 2 16 -1 15 30 -1 29 58 -1 57 2 कितना हो जाएगा, 2 7 14 2 5 10 1 11 114 में से 1 जाएगा तो 113 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको लॉजिक लगाना पड़ेगा, टाइम टेकन होगा, इसको भी नहीं बता सकता हूँ। 2 4 क्वेश्चन होगा जो कि मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट बाकी टोटल का मैं आंसर दूंगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सामान्य जानकारी को देख लेते हैं 56 से।
कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत को कहते हैं एक्सोस्फियर कहते हैं। उसके बाद सूर्य में पाए जाने वाले मुख्य गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है। उसके बाद भारत के किस राज्य को में महिला साक्षरता दर जो है प्रतिशत सर्वाधिक है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी केरला में है। उसके बाद नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जो है सरोजिनी नायडू जानी जाती है। बी नंबर हो जाएगा पृथ्वी की परिधि जो होगा ये आपका राइट आंसर जगह 62 का डी हो जाएगा। उसके बाद रेखा गणित के जनक जो है यूक्लिड हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विवेकानंद जी के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद किस वर्ष में 366 दिन होता है तो 2000 ईस्वी में होगा क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है। डीएनए संबंधित है आरएनए से। उसके बाद भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर उच्चतम है इसका जो राइट आंसर जगह 67 का राइट आंसर जगह सी हो जाएगा दमन एवं दीप का हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर मनाया जाता है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद है 70 का भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है ये जो है भरतनाट्यम नृत्य संबंधित जो है आपका तमिलनाडु से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है तो इसका जो राइट आंसर जगह वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर किया गया राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ देखिए इंग्लिश में क्लियरली देखा गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 75 का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12-17 ये नहीं ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सॉरी। अटल पेंशन योजना लाई गई थी ये जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 2015 तो होगा लेकिन दे में कंफ्यूज हूँ आई थिंक ये जो होना चाहिए 76 का जो होना चाहिए सी होना चाहिए बट आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। योग दर्शन के जनक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय तिरंगा पहली बार मध्यरात्रि को जो है फहराया गया था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आनंद मठ के लेखक हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिमचंद चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 81 का बी हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा इसका राइट आंसर। शक्ति स्थल नामक समाधि स्थल संबंधित है तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्यूटर भाषा में कंट्रोल प्लस डब्लू का अर्थ होता है कंट्रोल प्लस डब्लू 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोज विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट 1 byte 8 bits के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्व एडिसन ने किया था। उसके बाद मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 92 का ज्योतिष संधवा संबंधित है गोल्फ से संबंधित है। सर्वदाता समूह जो होता है वो होता है ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है पौधे के जो है पत्ती वाले भाग में होती है 95 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 के बाद आ जाता है। अब यहाँ पर जो है विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान वातावरण अब यहाँ पर आ जाता है आपका जो है बाल विकास से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए छात्रों का अधिगम संबंधित कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है तो इसका जो है स्लाइड प्रोजेक्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्लाइड प्रोजेक्टर। उसके बाद बच्चे का पहला शिक्षक कौन है तो उनकी माँ होती है पहला शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को समाज के उत्थान में अग्रणी होनी चाहिए 99 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किस
कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 का जो हो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजी विद्यालय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सीखने के लिए, अब यहाँ पर लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिसनिंग, और उसके बाद स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है, तो इसका जो राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सही उद्देश्य है, इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षक का कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है अध्यापन शिक्षण में मददगार सामग्रियाँ उपयोगी है क्योंकि वे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के कुंज मंजन यानी कि मैलएडजस्टमेंट इन चिल्ड्रेन में जो होगा, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आंतरिक मूल्यांकन वांछनीय है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह संपूर्ण शोषण के दौरान क्लासरूम निष्पादन को महत्व देता है। नेक्स्ट किस पद्धति में विद्यार्थी सर्वाधिक सीखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी स्वयं करके जो है विद्यार्थी अच्छे से सीखते हैं। अच्छा अध्यापक वो होता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन SSA सर्व शिक्षा अभियान का प्रायोजन जो था किया गया था, क्यों किया गया था, प्राथमिक स्कूलों में विशेष शिक्षा के लिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा 111 का जो हो जाएगा 111 का जो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए होगा, प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, आप सोचते हैं कि औचक परीक्षण उचित है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्कूल का लघु रूप है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 113 का वो हो जाएगा बी जो है परिवार हो जाता है। नेक्स्ट यदि एक छात्र अपनी क्लास में विघ्न पैदा करता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा सी, आप उसके किए गए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता है, आप उसको कैसे संभालेंगे, चोरी अगर बच्चे करेंगे तो उसको कैसे संभालेंगे, इस तरह के व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा और निराकरण करूंगा, इसका जो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट IQ इंटेलिजेंस जो होती है क्वांटिटी होती है जो कि बताता है, क्या बताता है, तो इसका राइट बुद्धिमत्ता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त ना होने के मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी सही सुविधाओं की कमी। PTA यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में उपचारात्मक संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त कोष का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले हैं, महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ तक जो लोग वीडियो को देखे हैं साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ आप लोग मिलाएं पूरे क्वेश्चन को और बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।